जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हनी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें AAICLAS में जो वैकेंसी आपका AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एलेट सर्विस कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ पे 436 पोस्ट आपके लिए दी गई है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल दिया गया है। यहाँ पे आपका सैलरी आपकी 22,500 फिक्स है। इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये, SC ST WS फीमेल के लिए 100 रुपये फीस दी गई है। 20 अक्टूबर से लेकर 15 नवम्बर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। 12th पास से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन हेयर पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो आपके सामने जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या अपना आधार नंबर डाल देना है एंड आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा। आधार कार्ड अपलोड करेंगे वहीं आपको पूछता है एप्लीकेंट नेम, तो आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है एंड यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना होगा। वहीं बात करें यहाँ पे पासवर्ड की, तो पासवर्ड कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबरिक मोड स्पेशल करेक्टर, तो इस तरीके का आपको अपना पासवर्ड जो है डालना होगा। एंड पूछता है जेंडर मेल है या फीमेल है, तो पासवर्ड कैसे XYZ@123 इस तरीके से आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। एंड उसके बाद दिखाई देगा आपको मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। एंड आगे दिखाई देगा आपका आपका पैन कार्ड अवेलेबल है, पासपोर्ट अवेलेबल है, तो आप यस कर सकते हैं अन्यथा आपको नो कर देना। एंड कैप्चा कोड डाल देंगे एंड आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। एंड आपको दोबारा से लॉग इन पेज पे जाना होगा, ईमेल आईडी जो आपने अभी डाली थी, तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खुद का ही लगाएं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वहीं आपको पासवर्ड खुद का ही डालना है जो आपने बनाया था। वही कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन कर लेना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे उसका इसको नीचे कर लेना है। इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, पोस्ट यहाँ पर देखिए असिस्टेंट सिक्योरिटी, तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा। तो आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो आपको सारा फॉर्म जो है स्टेप बाय स्टेप देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है जिससे आपकी समझ में ना आए। ऐसा नहीं है कि हमारी वीडियो में आपको बिल्कुल लास्ट तक चीज जो है मिल जाएंगी। यही आपको पूछता है आपका एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो आपको वो डाल देना है। मिडिल नेम अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं, लास्ट नेम अवेलेबल है तो डाल सकते हैं। अगर लास्ट नेम अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात ये होती है, तो लास्ट नेम में आपको NA लिख देना है। वही आपको पूछता है फादर्स नेम, तो वो डाल देना है। एंड मदर्स नेम क्या है वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ में ईयर है, मंथ है, डेट है, तो इस तरीके से अपना डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका मोबाइल नंबर, उसका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, कोई और नंबर अवेलेबल है तो वो आप लगा सकते हैं। वहीं आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे करेंगे तो आपको दिखाई देगा परमानेंट एड्रेस, तो आपको परमानेंट एड्रेस में आपका देखिए हाउस नंबर है, ठीक है, गली नंबर है, एवं आपका विलेज है, पोस्ट है, तहसील है, ये सारी चीज जो है आपको डालनी होंगी। डालने के बाद आपको आगे दिखाई देगा आपका करेस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो आपका दोनों सेम है तो आप सेम ही कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। वहीं आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है एंड किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। एंड आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डाल देना है। एंड डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपके एरिया का पिन कोड, तो आपके एरिया का पिन कोड क्या है तो वो आपको डालना होगा। एंड मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको डाल देना है। एंड नेशनलिटी आपको डालना होगा, रीजन पूछता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो आपको डालना होगा। एंड कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, जनरल ओबीसी SC ST से पूछता है कौन सी जाति है वो आपको डालना है, आपका नेम कौन सा है, किस गांव से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर गाँव डालना होगा, पिन कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट, कब इश्यू किसने किया है, तो ये सारी चीज़ें देनी होंगी। यही पता है वेदर सर्टिफिकेट वैलिड कमोन डेट, आपका वैलिड डेट है तो आपका ये ऑलरेडी सदा के लिए वैलिड ऑलवेज वैलिड होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। एंड पूछता है आपका मदर लैंग्वेज मातृभाषा हिंदी, आपकी लंबाई कितनी है वो सेंटीमीटर में, 170 है 165 है वो आपको डालनी होगी, बट आपका वेट कितना है वो आपको डाल देना है, पेन नंबर है, पासपोर्ट नंबर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली
छोड़ देंगे। या आपको भूता एक सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं, पुलिस में हैं तो यस कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप जो है यस कर सकते हो। या आपके खिलाफ कोई केस है आपके खिलाफ तो आपको यहाँ पर यस कर लेना है, अन्यथा आपको नो कर देना। तो यहाँ पर अगर है भी तो भी आपको नो ही करना होगा। हम बताए डिटेल ऑफ रिलेटिव वर्किंग इन AAICLAS, तो AAICLAS में आपका कोई जॉब करता है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको 10 सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर मंथ में पास किया है वो आपको डालना होगा, किस इंस्टीट्यूट से पास किया है वो आपको डालना है, सब्जेक्ट कौन कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, ड्यूरेशन आपका कितने साल का कोर्स था तो एक साल का ही होता है, 10 कितना परसेंटेज था, एंड आपको मार्कशीट यहाँ पर PDF में 100 KB से नीचे अपलोड करनी होगी। वहीं आपको 12th एड नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप एड नाउ पे कर सकते हैं और भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे सकते हैं। आपका 12th है तो 12th दे सकते हैं, ग्रेजुएशन है या जो भी आपको यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन देनी होगी, किस इंस्टीट्यूट से है वो आपको डालना होगा, किस सब्जेक्ट से वो आपको डाल देना है, कितने साल का कोर्स था वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, लिखने के बाद परसेंटेज कितना था वो आपको डाल देना है, एंड मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। यहाँ पे आप इसी तरीके 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा आपको क्या यहाँ पे नन कर देना है, यहाँ पे नन कर देंगे तो कोई भी क्वालिफिकेशन आपको फिल नहीं करनी है। वहीं आपको पूछता है लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, जैसे हिंदी आती है आपको, ठीक है, इंग्लिश है आपको, इंग्लिश आती है, पढ़ना लिखना बोलना आता है, उसके बाद कोई और भी सब्जेक्ट आती है जैसे संस्कृत है, ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़नी लिखनी बोलनी आती है वो आपको लगा देना है, एंड सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका, सारी चीज डिटेल जो है कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको चेक कर लेनी है। चेक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आएगा एक्सपीरियंस, तो आपके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या है फ्रेशर लिख देना है, तो आप एक्सपीरियंस अवेलेबल नहीं है तो ही आपको फ्रेशर लिखना होगा। अगर एक्सपीरियंस अवेलेबल है ऑलरेडी तो आप एक्सपीरियंस अपना दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो एक्सपीरियंस देंगे, नहीं था नेम में आपको फ्रेशर लिख देना है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेशर कैंडिडेट, तो आप यहाँ पे फ्रेशर लिख सकते हैं, एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप एक्सपीरियंस दे सकते हैं, नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपका खुल के आएगा डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले 20 KB से नीचे का आपको एक फोटोग्राफ की आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है, तो फोटोग्राफ आपका लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो फोटोग्राफ है आपका, उसके बाद आपका 20 KB से नीचे सिग्नेचर है, एंड आपके पास अगर NCC है तो वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको सारी डिटेल जो अच्छे से अपलोड करनी होगी, कोई भी गलती नहीं करनी है, तो आप गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अच्छी तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना होगा। तो आपको 7 डे डिक्लेरेशन आपका खुल के आ जाएगा, फोटो एंड सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद आपका प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक कर लेना है, सही है तो आप ठीक है, अन्यथा बैक करके आप जो है चेंजेस कर सकते हैं, एंड आपको सबमिट एंड पे कर लेना है, तो आपका पे करने के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा, तो पे करने के लिए आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा, और आवश्यक करता हूँ आप अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल कर पाएंगे, एंड किस जोन से आवेदन कर रहे हैं वो भी आपको डिक्लेरेशन में ही मिल जाएगा, एंड आपको फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।